हायर एजुकेशन से जुड़े छोटे या बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डीके गुरु ट्यूटोरियल, साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, यह वीडियो कई मायनों में बहुत ही खास है। इस वीडियो को मैं बहुत खास क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक खास शख्सियत से किया गया इंटरव्यू सुनाने वाला हूं। वो खास शख्सियत इसलिए है क्योंकि उसने एक खास बुक लिखा है। उन्होंने जो बुक लिखा है, उस बुक को लगभग सभी JRF पास स्टूडेंट द्वारा सराहा गया है। उसका एग्जाम्पल आप मेरे चैनल पे किया गया अलग अलग विषयों से JRF पास स्टूडेंट से सुन सकते हैं। हमने बहुत सारे सब्जेक्ट से JRF पास स्टूडेंट का इंटरव्यू किया। वहां से अधिकतर स्टूडेंट ने यही कहा कि हमने पेपर वन के लिए जो बुक फॉलो किया था वो था KVS मदान सर की, और हमने इसीलिए KVS मदान सर को फोन करके फोन पे इंटरव्यू लिया है और ये जानने की कोशिश किया है कि आखिरकार जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नई बुक मार्केट में कब तक उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की है इस वीडियो में कि आखिरकार क्यों खास है ये बुक, क्यों सबसे बेस्ट बुक है, क्यों सारे स्टूडेंट को पसंद आते हैं उनके बुक। वहां पे KVS मदान सर ने बहुत अच्छे से, बहुत ही सरल भाषा में स्टूडेंट के लिए ये इंटरव्यू दिए हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले तो KVS मदान सर का धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप लोगों को मैं चलिए सुनाता हूं उस इंटरव्यू के कुछ पार्ट को, क्योंकि यहां पे पूरे इंटरव्यू मैं आपको सुना नहीं सकता हूं, लेकिन जो भी अहम पार्ट है उस पार्ट को मैं आप लोगों को सुनाता हूं कि क्या कहते हैं KVS मदान सर कि कब आएंगे पेपर वन के लिए बुक, साथ ही साथ उस बुक की क्या है विशेषताएं, आप अच्छे से सुन पाएंगे सीधे KVS मदान सर से। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको वो इंटरव्यू सुनाता हूँ। हाँ जी सर, KVS मदान सर बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, KVS मदान सर, मैं डीके गुरु ट्यूटोरियल से दीपक कुमार बोल रहा हूँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सर? बस बढ़िया, आप नहीं है, कैसे चल रहे? बढ़िया चल रहा है। ये डीके ट्यूटोरियल जो यूट्यूब पे काफी एक्टिव है, आई थिंक सो। जी बिल्कुल सर जी। ओके ओके, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू सर। मदान सर जी, आपसे मेरा एक क्वेश्चन, एक्चुअली ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये आपके बुक के चहेते लोगों का क्वेश्चन है जो आपके बुक को बहुत ज्यादा अधिक प्यार करते हैं। वो सब ये जानना चाहते हैं सर कि आपका बुक मार्केट में कब तक आ रही है। मार्केट में जो है दैट मे टेक सम टाइम, मतलब ठीक है कि मैंने अपने जो कंटेंट है जो भी थे 10-15% जो एडिशनल है तो वो हमने अपने जो पब्लिशर है उनको दे दिए। दे मे टेक सम टाइम की उनका जो अपना प्रोसेस होता है प्रिंटिंग एंड ऑल, तो आई थिंक की दैट वॉन्ट टेक से मच टाइम। ओके, नेक्स्ट मंथ तक आ जानी चाहिए, कुछ मंथ मतलब कुछ दिनों में आ जाना चाहिए, है ना? हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। ओके सर, क्योंकि उनकी अपनी कमिटमेंट्स होती है, स्टॉक की ट्रांसमेंट, एवरीथिंग इज देयर, तो दे हैव टू टेक देयर ओन डिसीजन। ओके बिल्कुल सर जी। सर जी, मेरा अगला जो आपसे क्वेश्चन ये है कि सर मुझे ये बताइए कि बहुत सारे बुक ऐसे मार्केट में आ जाते हैं और लेकर भी आ चुके हैं वो लोग क्या किए हैं कि बुक में सारे नए कंटेंट को डाले नहीं है, पुराने कंटेंट ही अंदर है, सिर्फ ऊपर का कवर पेज बदल दिए हैं और बुक मार्केट में लेकर आ गए हैं। क्या आपका बुक में कंप्लीट वो चीजें सारे मिलेंगे जितने चीज नए जोड़े गए हैं सिलेबस में? हाँ जी, एग्जैक्टली, क्योंकि जो सिलेबस है ना, जो बुक है वो ऑलरेडी अपडेटेड थी काफी हद तक, ठीक है, दैट वाज इन द प्रोसेस। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि जो NTA दे कम विद नोटिफिकेशन कि हाँ जी सिलेबस है, इसमें हमने ये वाली चेंजेस करनी है, तो उससे हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। ओके सर, तो मतलब आपने सारे नए कंटेंट को डाल दिया है? हाँ सारे, एग्जैक्टली, जितना अप्रोप्रिएट हो सकता था ना एज पर एग्जाम पैटर्न जो है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सब किया है। ओके सर, एक चीज और है सर कि मैंने तकरीबन 20 स्कॉलर का इंटरव्यू किया जिन्होंने JRF निकाल चुके हैं अभी तक, उनमें से सर लगभग 19 ने आपके बुक को रेकमेंड किया कि KVS मदान सर का बुक काफी अच्छा है, मैंने वही पढ़ा और अच्छा स्कोर किया पेपर वन में। सर क्या विशेषता है इस बुक का, आप ही सबसे ज्यादा बेटर इस चीज को बता सकते हैं सर? इसमें बेसिकली ये है कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है कि एग्जाम के पैटर्न में क्या है कि जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से आ रहे हैं, तो उसके लिए ये था कि जितने भी क्वेश्चन है 10-15 इयर्स के उनको स्टडी किया कि उनका एक पैटर्न सा बनाया कि ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन इससे मतलब जैसे अगर हम बैंकिंग का एग्जाम्पल लें तो उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट आते हैं, और जो UGC नेट का पैटर्न है इसमें जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट आते हैं, तो जो सारा एक व्यू पॉइंट बनाने के बाद ना देन आई वेंट फॉर द बुक।
ओके कि इसमें एग्जाम पैटर्न है। फिर ये है कि एक बार बुक बन चुकी थी तो उसमें ये जो रिलेटेड होती है ना इसकी जो डिटेल्स है उनका ध्यान में रखना था कि okay. जो जो एक डिस्कशन पैटर्न है तो वो बेसिकली क्या होना चाहिए कि उसमें बच्चों को दिक्कत ना आए कि दे डोंट हैव टू लुक एट द डिक्शनरी कि हाँ जी ये प्रॉब्लम आ रही है ये बुक है ये मतलब ये हमें समझ में नहीं आया तो इसके लिए हम डिक्शनरी देखें। तो वो हमने थोड़ा सा रिमूव करने की कोशिश की है कि बच्चे हैं तो उनको जो भी जो जो कंटेंट्स हैं बिल्कुल एक स्ट्रीमलाइन फॉर्म में है वो दिखने चाहिए। ओके आपसे मेरा अंतिम क्वेश्चन है सर कि चूंकि सारे लोगों का मैं यदि फीडबैक देखता हूँ वैसे लोग जो आपके बुक को पढ़ चुके हैं तो उसमें से बहुत कम है बहुत कम लोग हैं जो ये बोलते हैं कि बुक अच्छा नहीं है। ठीक है तो ये क्या चीज आपने डाला है सर जो इतना बच्चों को अट्रैक्ट करता है और क्यों आपका ही बुक ले एक ये भी बात बताओ ना। यस बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो लोग कहते हैं कि उन्होंने बुक को उनको बुक अच्छी नहीं लगी या वट्स एवर तो शायद उनको एक बार बुक को फिर से देखना चाहिए। दैट इज माय सजेशन। तो उससे ये होता है कि कई बार होता है कि फर्स्ट टाइम जब भी हम बुक को देखते हैं उसमें 100% कंटेंट है हमें समझ में नहीं आते सेकंड रीडिंग है थर्ड रीडिंग है वी इमीडिएटली गेट टू अवर टास्क कि हाँ ये चीज हमें चाहिए थी ये हमें मिल रही है एज पर द एग्जाम पैटर्न। दैट इज इम्पोर्टेंट। मदान सर थोड़ा सा हटके मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि स्टूडेंट कैसे प्रिपरेशन करे सर पेपर वन का कि अधिक अधिक से अधिक मार्क्स ले आए वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाए सर। स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपको जो एग्जाम पैटर्न है उसको आपको एक बार फिर से देखना पड़ेगा। ओके आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेपर वन ओनली जो पेपर टू है उसमें भी ये है कि आपने जो पैटर्न है वो देखना है तो उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हैं कि इनके भाई टेक एग्जांपल ऑफ द पेपर टू तो उसमें ये जो जितने भी टॉपिक्स है ना इम्पोर्टेंट है तो उनको आपने एक बार अलग से उनकी एक लिस्ट ही बनानी है। ओके कि लास्ट ईयर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था तो उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस टाइप का हो सकता है तो दे हैव टू लुक एट द ऑप्शन ऑल्सो तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ओके और सेकेंड ये कि जो प्रिपरेशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो कि जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आपने स्टडी करना ही करना है। बिल्कुल जो आपकी स्टडी है वो थोड़ी इंटेंसिव ही होनी चाहिए कि कितनी हमने डेप्थ में जाना है। ओके तो दैट वे आई कैन रिकमेंड सर्टन थिंग्स और इसके लिए ये है कि जो नोट्स है ना वो भी आपके पहले ही तैयार होने चाहिए अपना खुद का बनाया हुआ बुक। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि जब हम सोचना शुरू करें कि एग्जाम में उसमें 15 डेज रह चुके हैं उसके हम नोट्स बनाना शुरू करें तो वो टास्क पॉसिबल नहीं हो पाता तो उसको आपको शुरू में ही ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके सर कि 15-20 डेज आपको कोई नोट नहीं बनाने सिंपल जो आपने पहले बना चुके हो तो उसके बेसिस पे ही यू हैव टू प्रिपेयर इन द एग्जाम। ओके सर सर अब एक स्टूडेंट का सवाल है सर मैं कल लाइव कर रहा था तो वहां पे एक स्टूडेंट ने आपसे मुझे पूछने को कहा था कि चूंकि आपने पेपर वन का इतना अच्छा बुक लिख दिया है तो अब हर एक सब्जेक्ट के बच्चे चाहते हैं नाइस ऑफ यू कि आप रिकमेंडेशन एक सही मतलब इसको एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट दे रहे हो। जी सर बात क्या है कि बहुत स्टूडेंट को इतना पसंद आ गया है कि अब वो क्या चाहते हैं कि पेपर टू का भी सभी सब्जेक्ट का हालांकि ये पॉसिबल नहीं है मुझे पता है पॉसिबल नहीं है ये लेकिन सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट चाहते हैं केवीएस मैदान पर मेरा भी पेपर का पेपर टू लिख दें तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर फ्यूचर में आपका कोई पेपर टू का भी बुक आने वाला है क्या किसी सब्जेक्ट का। जी पेपर टू का जो बुक है वो कॉमर्स का है दैट इज इन द पाइपलाइन। ओके हाँ जी जो पेपर टू है उसमें कॉमर्स है सेकंड इसमें मैनेजमेंट है थर्ड वी कैन टेक एट टू एजुकेशन लाइक वाइज तो वी विल पिक सर्टेन टॉपिक्स। ओके तो ये दो या तीन ऐसे होंगे ज्यादा नहीं मतलब मैं कह सकता। चलिए टू बिगिन विद मैं उम्मीद करता हूँ जिसका आने वाला है उन लोगों के लिए तो चांदी कटेगी सर आपकी बुक आ जाएगी तो क्योंकि बहुत अच्छे बुक है नहीं मार्केट में वैसे। एग्जैक्टली मैंने देखा है लेकिन उसमें आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती हाँ ये टॉपिक है ये चैप्टर हमने पढ़ लिया इसके बेसिस पे यू कैन अटेम्प्ट सर्टेन क्वेश्चन वो थोड़ी दिक्कत आ जाती है उसमें। बिल्कुल सर क्योंकि मैं खुद कॉमर्स से हूँ तो मुझे पता है लगभग मैंने सारे पब्लिकेशन को फॉलो किया हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पे बुक की कमी है सर कहीं ना कहीं। हाँ जी नहीं डेफिनेटली मेरी कमी थी गुड बुक। ओके सर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका केवीएस मैदान सर जी। नहीं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों ये थे केवीएस मदान सर जिनको आप अभी सुन रहे थे। दोस्तों अगर यदि केवीएस मदान सर का माने तो उन्होंने अपने और से सारे कंटेंट अपने पब्लिशर को प्रोवाइड करा दिए हैं
वहां पे उनकी प्रिंटिंग चल रही है उस बुक्स की, बहुत जल्द वो मार्केट में उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर यदि की रही बात कि कब तक आएगी, तो एक्सपेक्टेड डेट तो नहीं बताया जा सकता है, इसलिए नहीं बताया जा सकता कि कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं उन लोगों के बीच में, पब्लिशर और राइटर के बीच में, वो नहीं ब्रेच कर सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने डेट तो नहीं बताया है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। एक बात और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि अगर यदि कि किसी बुक में नए चीज को जोड़ना होता है तो थोड़ा सा वक्त लगता है, और जैसे कि केवीएस मदान सर ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहे कि मैंने 100% चीजों को लगभग लगभग कवर करने की कोशिश किया है, और जो भी नए नए चीज जोड़े गए हैं सिलेबस में उन सारे चीजों को मैं उसमें ऐड किया हूं, तो बहुत जल्द मार्केट में आ जाएगा। अगर यदि कि आपको भी पसंद है केवीएस मदान की बुक, तो थोड़े दिन आप वेट कर लीजिए, शायद आपको मार्केट से इजिली बुक मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था इंटरव्यू, बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू। कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस तरीके के इंटरव्यूज, इस तरीके के वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक वो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके।